यस एनडीए 2016 पेपर का डिस्कशन करते हैं और ये पेपर एक ऐसा था जिसमें लेवल डिफिकल्टी थोड़ा सा अगर हम बोल सकते हैं ज्यादा था या टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन थे और इस पेपर में भी मैं आपको वो टेक्निक्स बताना चाहूंगा जिससे कि आप अपने टाइम को सेव कर सकें और इजीली क्वेश्चंस को मिनिमम टाइम में सॉल्व कर सकें। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप टफ से टफ पेपर्स को भी कैसे क्विकली कर सकते हैं, ये एक चीज समझना जरूरी है। और अब क्योंकि टाइम आने वाला है एग्जाम्स के लिए, इसलिए मैं इस तरह के सेशंस आपके लूंगा, आप लोगों ने बोला था, और आप लोगों के पास फाउंडेशन ऑलरेडी, अगर आपने फाउंडेशन कोर्स से एक बार अच्छे से बेस बना के कर लिया तो आप देखेंगे आपके आपका कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। और आपने नोटिस भी किया होगा, अभी आप देख भी रहे हैं कि बहुत अच्छे रिजल्ट थे, उन्हीं को देखते हुए हम ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, द सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज टू। अब देखिए द सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज टू, टू क्वेश्चन रिलेटेड है, सिक्स टर्म एपी का, द सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज टू मतलब ए प्लस फाइव डी जो है टू, स्टेप्स कम से कम लिखनी एंड कॉमन डिफरेंस इज ग्रेटर देन वन। ये एक बात पता आपको कि कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन वन है, राइट right? अब कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन वन है, अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है वो बताता हूं, मैं रीड कर रहा हूं पेपर, आप लोग निकाल सकते हैं। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म इज ग्रेटेस्ट। क्या क्वेश्चन है देखिए, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, एपी का कॉमन डिफरेंस क्या होगा सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फोर्थ एंड सिक्स टर्म इज ग्रेटेस्ट, ये आपको पता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, और इसके साथ जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म इज ग्रेटेस्ट। अब यहां पर फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म इज ग्रेटेस्ट, अब ये बोला व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, इसमें फर्स्ट टर्म बताना है और इसमें कॉमन डिफरेंस बताना है। अगर आप लॉजिकली समझेंगे तो एक चीज अच्छे से समझ लीजिए कि दोनों क्वेश्चन रिलेटेड हैं, कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं आपको। यस तो अब आपसे इसमें पूछा है कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा ग्रेटेस्ट टर्म अगर इनका प्रोडक्ट हो, और क्वेश्चन नंबर टू जो है वो सुनिएगा ध्यान से, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म इज ग्रेटेस्ट। अब समझिए फर्स्ट फोर्थ एंड सिक्स नहीं है, ये फिफ्थ है, फिफ्थ टर्म इज ग्रेटेस्ट। अब एक चीज अगर आप समझिए कि ये ग्रेटेस्ट, अगर मैं इसको मेथड से करना जाऊं तो मुझे बहुत टाइम लगने वाला है। तो अब यही एक टेक्निक से जो डेवलप करना है और ये चीज समझनी है। नॉर्मली अगर हम एनडीए में देखें तो पेपर्स के क्वेश्चन सिंपल होते हैं, पर 2016 का पेपर टू अगर देखें तो इसमें कई क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें काफी टाइम लग सकता था, पर उनमें भी आप टाइम बचा सकते हैं अगर आपने बेस या फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग किया। कैसे, अब अगर मैं इसको मेथड से करने जाऊं तो मुझे काफी टाइम लग जाएगा, मैं ए प्लस थ्री डी ए प्लस फोर डी और फिर ग्रेटेस्ट या लिस्ट की कंडीशन निकालू यही। इसकी जगह हमारे पास एक सिंपल सी टेक्निक है, हमें यह पता है कि इस क्वेश्चन का सिक्स टर्म जो है वो टू है और सिक्स टर्म होता है ए प्लस फाइव डी, आपसे ए और डी पूछा है और दो ही क्वेश्चन दिए, तो पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का डी देखिए क्या क्या दिया है, समझिएगा 8/5 9/5 2 एंड 11/5, और इस क्वेश्चन का ए दिया हुआ है क्या क्या -4 -6 -8 एंड -10। अब अगर मैं ये टेक्निक्स से कि सिक्स टर्म टू है वो यूज करूं तो देखिए कितनी जल्दी होगा, अब ये बाय फाइव तो ले ही लीजिए, तो अगर सपोज आपने ऑप्शन ए लिया, अब देखिए मेंटली होगा कैसे, ए की जगह मान लीजिए आपने रखा -4 और डी की जगह रखा 8/5 तो 8 ये होगा रिजल्ट 4, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। अच्छा इसके बाद 9 और 11 है इसका मतलब 4 तो नहीं है। अब आपने सपोज ए की वैल्यू -6 ली होती और डी की वैल्यू ली होती 8/5, ये देखिए इससे 2 आ रहा है, यानी ये एक फेवरेबल कॉम्बिनेशन हुआ, ये एक फेवरेबल कॉम्बिनेशन हुआ। इसके साथ देखिए ये हो नहीं सकता क्योंकि -8 -8 जीरो हो जाता, इसके साथ भी नहीं हो सकता था क्योंकि ये -2 हो जाता, यानी आपके पास एक सिंगल लॉजिक से इस क्वेश्चन को आपने कर लिया। आप कोई और भी ऑप्शन रख के देख लीजिए आपको नहीं मिलेगा, वैसे भी 9 के साथ अगर आप इवन लोगे तो 2 नहीं आएगा, राइट फ्रैक्शन होगा नहीं, ये भी ऑड नंबर ये भी नहीं आएगा, यानी आपकी एक राइट टेक्निक ने जो क्वेश्चन कई ज्यादा टाइम ले सकता था वो आपने सिंपल टेक्निक से किया। तो क्वेश्चन क्या है एक बार फिर समझिए, इसमें टू क्वेश्चन लिंक थे और था द सिक्स टर्म ऑफ एन एपी इज टू एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज ग्रेटर देन वन। अब
सिक्स टर्म जो था वो टू था और कॉमन डिफरेंस ग्रेटर देन वन बोला गया था। अब इस क्वेश्चन में आपसे पहला क्वेश्चन जो था वो पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ डी इफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म इज ग्रेटेस्ट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म इज ग्रेटेस्ट। अब इसके मेथड में आप उलझ जाते तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप कहीं पे भी निकल नहीं पाते और इसी वजह से हम लोग कई बार क्वेश्चन 30-25 कर पाते हैं। पर अभी अभी मैंने एक चेंज देखा है कि जो बच्चे प्रॉपर फाउंडेशन के साथ पढ़ाई करते हैं वो 70-80-90 तक अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर शर्त है कि कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना और ये सोचना है कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आया इसमें क्या तरीका हो सकता है। इसलिए आपको अपने बेस पे बहुत वर्क करना है। नोट कर लीजिए क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी टू क्वेश्चन से लिंक है। क्या क्वेश्चन है? कंसिडर द फॉलोइंग फॉर द नेक्स्ट टू क्वेश्चन। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू, डिटर्मिनेंट दिया एक्स प्लस वन टू एक्स थ्री एक्स टू एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस वन एक्स टू एक्स टू माइनस एक्स थ्री एक्स प्लस फोर एंड फाइव एक्स माइनस वन। वट इज द वैल्यू ऑफ सी? एक्स सी का वैल्यू पूछा यानी कोफिशियंट ऑफ एक्स। वट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी? सबसे पहले तो ए प्लस बी प्लस सी इमीजिएटली निकाल सकते हैं। कैसे? अगर एक्स के प्लेस पे वन रख दें तो क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मेंटली करने की कोशिश करिए, यहाँ पर एक्स के प्लेस पे जब वन रखेंगे तो टू देन फाइव देन वन देन टू देन टू देन सेवन देन थ्री देन वन देन फोर। इसको आप बहुत ही स्पीड में सॉल्व कर सकते हैं। एट माइनस सेवन वन, टू के साथ लिया वन माइनस नाइन ट्वेंटी एंड थ्री के साथ जब लिया माइनस करके भी लिखें थर्टी फाइव माइनस ऑफ टू, राइट? तो ये मिला टू, दिस इज माइनस थर्टी एट, ये थर्टी थ्री, तो इसका मतलब ये हो गया नाइनटी नाइन, राइट? एक तरह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि माइनस का 36 प्लस का 99 यानी करेक्ट आंसर हो गया 63, राइट? अब देखिए इसके ऑप्शन में 63 दिया हुआ था तो ये एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। एक और बात, अब आपको वैल्यू ऑफ सी पूछिए, वो कैसे निकालेंगे वो भी बताता हूं, राइट? यस। तो अगर इस क्वेश्चन में देखिए ए प्लस बी प्लस सी पूछा, डी पूछा, आपने बहुत इजीली कर लिया। अब एक बात याद रखिए, अगर इस क्वेश्चन में डी पूछा होता तो आप बहुत जल्दी कर सकते थे। कैसे? आप x के प्लेस पे जैसे ही जीरो पुट करते यहां मिलता d, यहां x के प्लेस पे जीरो करते d मिलता। पर आपसे पूछा गया है c, c मतलब है x का कोफिशिएंट, यानी x का कोफिशिएंट बताना। ऐसे में मैं आपको एक सलाह दूंगा कि सपोज ये क्वेश्चन है, इसका एक पार्ट बहुत क्वेश्चन जल्दी हो रहा है, सेकंड में टाइम लग रहा है, लीव दिस क्वेश्चन, क्योंकि आपको 120 क्वेश्चंस करने, तो कुछ क्वेश्चन इस पेपर में थे ऐसे जिनमें टाइम कंज्यूमिंग हो सकता था। तो यहां पे आपके डिपेंड करती है कि आप कितने स्पीड में करते हैं। जैसे अगर इसका डिटरमिनेंट में सॉल्व करता तो देखिए एक चीज समझिएगा, जब मैं x प्लस वन लिखता तो क्या क्या लिखता? x प्लस वन थ्री एक्स प्लस फोर एक्स एंड फाइव एक्स माइनस वन। मुझे इसमें से दो चीजें निकालनी होगी, एक वन का मल्टीप्लाई इसके x से होगा और एक x का इसके कॉन्स्टेंट से होगा। बट इसमें देखिए एक एडवांटेज है, ऑलरेडी x है तो मुझे इसका केवल कॉन्स्टेंट टर्म लगेगा। तो आप केवल अपने फोकस पे ध्यान रखिएगा x 5x माइनस वन, और इसमें भी x होने से इसका भी केवल कॉन्स्टेंट टर्म ही लगेगा। इसका मतलब 2x प्लस थ्री एक्स प्लस वन टू माइनस एक्स एंड 3x प्लस फोर, राइट? अब देखिए क्या होगा यहां पर जब आप करेंगे इसको सॉल्व, तो x प्लस वन यहां पर आपको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5x माइनस एक्स प्लस का 4x मिलेगा, यहां माइनस का 4x यानी x वाला टर्म कैंसिल, यहां मिलेगा माइनस वन, यहां मिलेगा केवल माइनस वन। क्योंकि आप याद रखिएगा मैं जो आपको बोलना चाहता हूं, इसका मतलब यहां पर जो कोफिशिएंट मिलने वाला है एक्स का वो माइनस वन मिलेगा। आपको सी की जरूरत है। अब मैंने जो जो चीजें बोली है वो मेंटली समझाता हूं कि जब आप इसका एक्चुअल में मल्टीप्लाई करते तो देखिए क्या आता। ये बात मैंने आपको जो मेंटली समझाई वो चीज को अब मैं स्टेप वाइज समझा रहा हूं। तो आप ऐसा लिखते हैं फाइव एक्स स्क्वायर फाइव एक्स प्लस एक्स यानी आपको मिलता प्लस फोर एक्स माइनस वन, और माइनस ऑफ आप लिखते थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ फोर एक्स। अब देखिए क्या होता x प्लस वन। अब ये चीज आप कितनी स्टेप्स में कम से कम में करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 2x स्क्वायर 4x से 4x कैंसिल तो माइनस वन। अब आपको क्योंकि x का कोफिशिएंट चाहिए था तो इस x का इसमें होता तो मिलता, यानी मैंने जो आपको बात बताई कि एक तरफ c की वैल्यू यहां पे माइनस वन मिल गई। अब देखिए इस वाले जब पार्ट में आप आएंगे तो रिमेंबर x ऑलरेडी बाहर है और माइनस टू एक तरह से, तो मुझे इसका कॉन्स्टेंट टर्म चाहिए। तो यहां से मुझे कॉन्स्टेंट टर्म मिलेगा एक तरह से माइनस थ्री, और इसका इससे होगा तो कॉन्स्टेंट टर्म नहीं मिलेगा, ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब माइनस थ्री इंटू माइनस टू आपको मिलेगा प्लस सिक्स। अब यहां पर भी आइए तो आपके पास ऑलरेडी थ्री है तो केवल कॉन्स्टेंट टर्म लगेगा। तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा यहां पर थ्री फोर जा ट्वेल्व, तो थ्री इंटू ट्वेल्व, और यहां पर मिलेगा आपको माइनस टू यानी आपको मिलेगा एक तरह से टेन, टेन इंटू थ्री करेंगे तो थर्टी, तो आपको 30
प्लस 6 36 माइनस 1 यानी 35 इसका करेक्ट आंसर हुआ। तो अगर हम इसके ऑप्शन में देखें तो इसके ऑप्शन में एक आंसर 35 भी है, यानी इस वाले पार्ट में थोड़ा सा टाइम लग सकता था। तो ऐसे में मैं आपको यही बोलूंगा कि आप एग्जाम टाइम में, क्योंकि इस समय कई बार हमें क्लिक नहीं करता, एक पार्ट बहुत जल्दी हो सकता था, डी पूछा था तो भी इमीडिएटली हो जाता, बट इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने आपको जो टेक्निक्स बताई कि आपको इसमें से दो चीजें देखनी थी, एक एक्स का टर्म और एक कांस्टेंट, तो इसमें एक्स का टर्म बचा नहीं था तो केवल कांस्टेंट, इसमें ऑलरेडी एक्स है तो केवल कांस्टेंट टर्म की रिक्वायरमेंट है, पूरे मल्टीप्लाई की जरूरत ही नहीं है, कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट के मल्टीप्लाई से ही मिलता है, राइट? और आप इस तरह से करेंगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो सकता है। नोट कर लीजिए,